कि कोई टैक्स ले अपने लिखी है तो उसका केस कैसे चेंज कर सकते हैं, मीन्स स्मॉल लेटर है तो कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस केस में टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कमांड है टी केस कमांड। आप टी केस कमांड टाइप कर सकते हैं या तो एक्सप्रेस है, यहाँ पे चेंज टैक्स केस ऑप्शन है, वहां से भी जा सकते हैं। तो टी केस कमांड लिखना है आपको और जिस टैक्स का केस चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है। पहले मैं इसको इसकी कॉपी कर लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। टी केस कमांड और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां पे ऑप्शन है सेंटेंस केस, फर्स्ट ऑप्शन। सेंटेंस केस में क्या होता है, कोई सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ओके करेंगे आप देखेंगे यहां पे एम कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर लोअर केस है, लोअर केस में ही अभी टैक्स है तो मैं अपर केस कर रहा हूँ, तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कॉपी कर रहा हूँ टी केस, लोअर केस जो अभी कैपिटल में सब कैरेक्टर है अपर केस में, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल लेटर। फिर यहाँ पे टाइटल केस, टाइटल केस में क्या होगा कि जो सेंटेंस लिखा है उसमें जितने भी वर्ड्स है उस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल केस ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी वर्ड्स है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा। और यहाँ पे टॉगल केस है, टोगल का मीनिंग क्या है कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा, अपर केस लोअर केस हो जाएगा, लोअर केस अपर केस हो जाएगा। तो अगर आपका लोअर केस है तो टोगल केस लेंगे तो भी अपर केस कर सकते हैं, अपर केस में टैक्स है और आप टोगल केस लेंगे तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटेंस और टाइटल में भी ऐसा ही होगा, जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल हो जाएगा। तो टोगल में कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जहां जहां पे कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, अपर केस लोअर केस लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक बार सेंटेंस केस, तो फर्स्ट जो है वो कैपिटल हो गया। टी केस लोअर केस सब स्मॉल में कन्वर्ट, अपर केस सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। टी केस यहाँ टाइटल केस, तो जो वर्ड्स है उसके फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। अगर आप टॉगल करेंगे तो अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट होगा, लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट। आप एम टेक्स टी टेक्स में चेंज कर सकते हैं केस को, अगर डायमेंशन में कोई टेक्स्ट है उसको भी आप कर सकते हैं, सब अपर केस कर देना, सब लोअर केस कर देना, टॉगल केस, टॉगल केस में सब कैपिटल, सेंटेंस केस। सो ऐसे आपको कोई भी टेक्स्ट है उसका केस चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फीड कमांड, अगर कोई टेक्स्ट है आपको पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में फिट करनी है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इस रेक्टेंगल के बाहर है और यहाँ पे टेक्स्ट है और रेक्टेंगल के अंदर है और यहाँ पे स्पेस छूट रही है, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर टेक्स्ट को फिट कर देना है और मुझे इसको एक्सपांड करना है। तो अगर आपको श्रिंक करना है, स्ट्रेच करना है
आप टैक्स फिट कमांड का यूज कर सकते हैं, तो उससे आप उसकी लेंथ जो है वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसके लिए कमांड देना है टैक्स फिट कमांड। अगर आपको कमांड टाइप नहीं करना है, मेनू में से लेना है, टैक्स प्रेस है, उसके अंदर आप टैक्स में जाएंगे, वहाँ पर टैक्स फिट है। कमांड देने के बाद आपको टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंड पॉइंट। अभी जहाँ पे आपने क्लिक किया है वो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं ये स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं नया स्टार्ट पॉइंट ले रहा हूँ कि टैक्स यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। अब टैक्स का एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो एंड पॉइंट यहाँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उन दो पॉइंट के बीच में टैक्स आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे एंड करना है, तो जो आप पॉइंट देंगे उसके बीच में फिट हो जाएगा। अब इसमें एम टैक्स से टैक्स नहीं लिख सकते, ओनली टैक्स कमांड लेना पड़ेगा, री टैक्स कमांड। स्टार्ट पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपॉइंट हो गया। वैसे ही मुझे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होगा तो स्ट्रिंग भी हो जाएगा। तो एक ही कमांड है जिसमें आप श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपांड भी कर सकते हैं। टैक्स मास्क, अगर आपने कोई टैक्स लिखी है और पीछे हैच है या कोई ग्रेडियन है, तो आपको उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है टैक्स के पीछे का वो निकालना है, तो आप टैक्स मास्क का यूज कर सकते हैं। भी आपको टैक्स मास्क कमांड देना है, या तो फिर एक्सप्रेस मेनू में टैक्स है उसके अंदर टैक्स मास्क, तो टैक्स मास्क आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कमांड भी दे सकते हैं या तो मेनू में जाके भी ले सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, कमांड देने के बाद टैक्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मास्क टाइप। उसमें तीन ऑप्शन है, वाइप आउट, 3D फेस एंड सॉलिड। वाइप आउट में क्या होगा कि जो टैक्स है उसके अराउंड जो एरिया है वो ब्लैंक हो जाएगा, मीन्स वहाँ से जो अगर हैच है तो हैच निकल जाएगी। वाइप आउट, एंटर, तो उसके अराउंड आप देखेंगे हैच निकल गई वहां पे, यहाँ पे वाइप आउट हो गया उतने एरिया। अगर आप 3D फेस लेंगे तो 3D फेस में बैकग्राउंड नहीं निकलेगा लेकिन मास्क आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा मास्क है कि नहीं, तो जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो मास्किंग दिखाई देगी। और उसके अंदर एक ऑप्शन है सॉलिड, सॉलिड में आपको कोई कलर देना पड़ेगा, सपोज कोई कलर दे रहा हूँ। ओके, अभी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा ऐसा। अगर आपको टेक्स्ट मास्क का कमांड नहीं देना है तो आप अगर आप टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड मास्क, उसमें जाना है, उसमें ऑप्शन लेना है यूज बैकग्राउंड मास्क, उसमें उसके अराउंड कितने स्पेसिंग रखना है वो दे सकते हैं यहाँ से। अगर आपको पर्टिकुलर कलर कोई बैकग्राउंड में चाहिए तो वो ले सकते हैं। ओके, तो उतना आ जाएगा, ये कम कर रहा हूँ 1, तो ये आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगा। जब आप स्पेसिंग कम करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर ओके कर देना, डबल क्लिक, इसमें जाना है बैकग्राउंड मास्क,
ऑफसेट कितना देना है ज़्यादा कम आप दे सकते हैं, उससे आप देखेंगे अराउंड जो ऊपर नीचे है उतना एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया। बैकग्राउंड मास्क नहीं चाहिए तो ऑप्शन नहीं लेना है तो निकल जाएगा। तो अगर आपको टेक्स्ट मास्क कमांड नहीं देना है तो एम टेक्स कमांड है उसमें भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट मास्क टाइप, वाइप आउट, ऑफसेट वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफसेट है वो 0.5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे उतना बैकग्राउंड निकल गया। यहाँ पे मास्क टाइप में सॉलिड ले रहा हूँ, उसमें रेड कलर, ओके, सिलेक्ट, एंटर। तो इस टाइप से आप मास्किंग कर सकते हैं। ऑफसेट में अभी ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, मास्क में मैं सॉलिड ले रहा हूँ, ऑफसेट वैल्यू ले रहा हूँ 1 में, तो ये 1 वैल्यू आ गई, ऑफसेट ले रहा हूँ 0.5 आ गया। और यहाँ लास्ट में मैं ले रहा हूँ 0.25। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.25। अगर आपको मास्क अप्लाई किया है और मास्किंग निकालना है तो टैक्स में अनमास्क है ऑप्शन, सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी आपने टैक्स मास्क से मास्किंग अप्लाई किया है वहाँ से वो निकल जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपको टेक्स्ट मास्क का यूज करना है तो टेक्स्ट मास्क कमांड से आप पीछे बैकग्राउंड या तो ब्लैंक एरिया क्रिएट कर सकते हैं। टी काउंट कमांड, उसका सॉफ्टवेयर है TCO। अगर आपको कमांड टाइप नहीं करना है तो एक्सप्रेस टूल मेनू है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट में जाना है, वहां पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेक्स्ट नंबरिंग। सपोज आपको एक ऑटोमेटिक नंबर देना है, सपोज यहाँ पे मैंने 1111 यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको नंबर चाहिए 1 2 3 ऐसा चाहिए, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, एक एक करके एडिट करना पड़ेगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, TCO कमांड देना है ना, फिर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ विंडो सिलेक्शन का, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको सिलेक्शन एक्स डायरेक्शन में करना है, वाई डायरेक्शन, सिलेक्ट ऑर्डर में, तो आपको सॉर्टिंग किस टाइप से करना है। तो अभी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल है तो एक्स हमें लेना पड़ेगा, तो मैं एक्स ले रहा हूँ। अभी आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला नंबर क्या देना है, तो 1 देना है, और इंक्रीमेंट कितना करना है, अगर आपको 1 2 3 4 चाहिए तो इंक्रीमेंट 1 हो रहा है तो 1.1 लिखना है, एंटर। अभी है कि प्लेसमेंट ऑफ नंबर, मीन्स आपको इस नंबर को ओवरराइड करना है, आगे लिखना है, पीछे लिखना है, या फाइंड एंड रिप्लेस। तो अभी हम ओवरराइड ऑप्शन लेंगे, वो टाइप करना है, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो अभी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही TCO कमांड सिलेक्ट कराओ। अगर गलती से दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट भी होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कमांड ओनली टेक्स्ट के लिए है, अगर फुल लाइन लाइन सर्कल सिलेक्ट भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिलेक्ट ओनली टेक्स्ट को करेगा। अभी आपको एंटर देना है, अभी ये सिलेक्शन वाई डायरेक्शन में करना है, तो वाई इंक्रीमेंट और नंबर स्टार्टिंग 1 से करना है, 1.1 अगेन एंड ओवरराइड। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक्स डायरेक्शन हुआ, ये वाई डायरेक्शन हुआ, अगेन सिलेक्ट, एक्स डायरेक्शन में करना है, लेकिन इंक्रीमेंट अभी 2 का करना है, मीन्स 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जैसे एंटर करेंगे ओवरराइड, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आ जाता है। वैसे ही मैं अभी वर्टिकल में जा रहा हूँ, वाई डायरेक्शन 1.5 का इंक्रीमेंट करना है ओवरराइड, तो यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट,
जो 1 के बाद 6 भी 11 16 21, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है और इंक्रीमेंट नंबर कौन सा चाहिए वो ले सकते। अब ये एक्स और वाई ऑर्डर था, अगर आपको रैंडमली ऐसे सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है कि वन बाय वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो आपने जिस ऑर्डर में सिलेक्ट किया होगा उस ऑर्डर में आपको नंबर देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने जिस ऑर्डर में अभी सिलेक्ट किया उस ऑर्डर में नंबर देना है, तो सिलेक्ट ऑर्डर ऑप्शन में जाना है, 1,1 ओवरराइट। आप देखेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मैं फर्स्ट ये ले रहा हूँ, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एंड रैंडमली सिलेक्ट ऑर्डर 1,1 ओवरराइट। तो उस सीक्वेंस में नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप एक्स और वाई या तो सिलेक्टेड ऑर्डर में नंबरिंग दे सकते हैं। वे प्रीफिक्स सफिक्स एंटर, अभी एक्स डायरेक्शन स्टार्टिंग वन करना है, इंक्रीमेंट भी वन चाहिए। अभी हमें ओवरराइड नहीं करना है, इसके आगे या पीछे आपको नंबर चाहिए तो प्रीफिक्स आगे चाहिए, तो प्रीफिक्स आप ऑप्शन लेंगे तो आगे नंबरिंग आएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो प्रीफिक्स में आगे नंबर आता है। वैसे ही एक्स डायरेक्शन में चाहिए 1,1 स्टार्टिंग वन और इंक्रीमेंट भी वन चाहिए, सब फिक्स पीछे जाइए तो पीछे नंबर आएंगे, 1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो प्रीफिक्स में आगे और सफिक्स में पीछे नंबरिंग आप ला सकते हैं। फिर आपको पर्टिकुलर कोई नंबर रिप्लेस करना है तो मैं टी काउंट कमांड दे रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी एक्स डायरेक्शन 1,1, अभी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाना है, क्या फाइंड करना है तो ए फाइंड करना है, तो आपने जो सिलेक्शन किया होगा वहां पे वो नंबर आ जाएगा। अभी ये उसमें सबसे फर्स्ट है इसलिए नंबर वो वहां पे वन आएगा। अभी मैं दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स 1,1, अभी फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है, वहां पे मैं सी ले रहा हूँ। अभी सी है वो सीक्वेंस में थर्ड है, इंक्रीमेंट वन है और स्टार्टिंग भी वन है, तो सी थर्ड पोजीशन पे आता है तो वहां पे 3 आ जाएगा। वन कॉमा वन फाइंड एंड रिप्लेस, और अभी मैं ई ले रहा हूं, ई लेंगे तो सीक्वेंस में फिफ्थ आ रहा है, वहां पे 5 हो जाएगा। वैसे ही एक्स डायरेक्शन 1,1 फाइंड एंड रिप्लेस, और मैं ले रहा हूँ जी, तो वो 7 पोजीशन पे है तो वहां पे 7 आ जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट हो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नंबर से, और इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ, स्टार्टिंग नंबर 10 से करना है और 10 का ही इंक्रीमेंट करना है ओवर राइट। आप देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आ जाता है और पॉजिटिव से आप माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं। एक्स स्टार्टिंग 0 से करना है और -10 इंक्रीमेंट चाहिए ओवर राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 -10 -20 -30 -40 -50, तो यहाँ पे 10 माइनस में इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप से आप नंबरिंग दे सकते हैं। ओवरराइड में वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन में आप रैंडमली भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑर्डर से नंबरिंग रिप्लेस कर सकते हैं। आप अगर आपको आगे नंबर चाहिए तो प्रीफिक्स और पीछे चाहिए तो सफिक्स ऑप्शन है, और पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना है नंबर से वो भी आप कर सकते हैं, और नेगेटिव इंक्रीमेंट एंगल भी आप ले सकते हैं। टी सर्कल कमांड शॉर्टकट है TCI,
कोई भी टेक्स्ट है उसके अराउंड आपको सर्कल स्लॉट या रेक्टेंगल बनाना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस मेनू टैक्स और उसमें एनक्लोज टैक्स विथ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई टैक्स है जो कमांड देना है, मैं तीनों टैक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। वे आप देखेंगे तीनों में कैरेक्टर अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। एंटर, अभी यहाँ पे ऑप्शन एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर वैल्यू, कितना फैक्टर रखना है, कितने डिस्टेंस पे वो आपको सर्कल रेक्टेंगल बनाना है वो टाइप करना है। फिर यहाँ पे सर्कल ऑप्शन, यहाँ पे आपको मुझे कांस्टेंट रखना है या वेरिएबल, तो कांस्टेंट, तो यहाँ पे सर्कल बन जाएंगे। अब आप इसकी रेडियस चेक करेंगे तो तीनों में रेडियस सेम होगी। वापस TCI टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 0.35 सर्कल, लेकिन अभी मैं वेरिएबल ऑप्शन ले रहा हूँ। वेरिएबल में क्या होगा कि जो टेक्स्ट में जितने कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो बड़ा छोटा सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तभी आप रेडियस चेक करेंगे तो तीनों में अलग अलग है, यहाँ पे वेरिएबल ऑप्शन से सर्कल क्रिएट हो गया है जबकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑप्शन। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे 0.35 सर्कल और कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट बनेगा और वेरिएबल रखेंगे तो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्क में भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन आर्क का जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा है वेरिएबल ऑप्शन में। इसका रीजन है कि उसमें जो कैरेक्टर है ARC उसकी जो टोटल विड्थ है वो यहाँ इससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है आर्क का वो बड़ा बन रहा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है। तो वेरिएबल में जो जैसा आपका टेक्स्ट कंटेंट होगा, कैरेक्टर का जो टाइप होगा उसके हिसाब से वो सर्कल बन जाएगा, कॉन्स्टेंट में फिक्स रहेगा। वैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ 0.35 और यहाँ पे स्लॉट ऑप्शन ले रहा हूँ, कांस्टेंट ऑप्शन। वे कांस्टेंट में आपको पूछेगा कि जो विड्थ और हाइट या तो आपको दोनों के हिसाब से आपको सेट करना है, तो यहाँ पे विड्थ ऑप्शन ले रहा हूँ, तो विड्थ के हिसाब से सेट हो जाएगा। TCI 0.35 स्लॉट कांस्टेंट, अभी मैं हाइट ले रहा हूं, तो सेम ऑप्शन है। पहले यहां पे क्या हुआ कि जो आपने ऑफसेट वैल्यू है तो विड्थ के हिसाब से स्लॉट क्रिएट हो गया, अभी हाइट के हिसाब से क्रिएट हो गया, तो दोनों में जो साइज है वो चेंज हो गई। अगर आप बोथ ऑप्शन लेंगे तो बोथ में क्या होगा, तो अगर आप बोथ ऑप्शन लेते हैं तो जो विड्थ है उसके हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि प्रेफरेंस विड्थ का है। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं लेते तो भी विड्थ आता है, तो बोथ में भी विड्थ के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। वैसे ही TCI 0.35 स्लॉट, अभी वेरिएबल ऑप्शन ले रहा हूँ, तो वेरिएबल में क्या होगा कि आपको वो मेंटेन करने के लिए नहीं पूछेगा विड्थ के हाइट, जो भी आप स्लॉट ऑप्शन लेंगे और जैसे वेरिएबल लेंगे तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा, जैसा टेक्स्ट कंटेंट है ज़्यादा कम उसके हिसाब से स्लॉट क्रिएट हो जाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे जो मेंटेन है विड्थ या हाइट के हिसाब से जाना है वो ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है
जो टीसी है 135 रेक्टेंगल ऑप्शन कांस्टेंट, इसमें भी विड्थ या हाइट के हिसाब से आपको मेंटेन करना है, तो विड्थ रेक्टेंगल हाइट कांस्टेंट सिलेक्ट 135 रेक्टेंगल कांस्टेंट और उसमें हाइट ऑप्शन। भी हाइट और विड्थ में डिफरेंस है कि विड्थ में विड्थ ज़्यादा आएगी यहाँ और हाइट में हाइट जो होगी उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रे में जो ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है वो यहाँ पे नहीं, वो निकल जाएगी। और जो बोथ ऑप्शन है उसमें सेम विड्थ का रिपीट होगा। अगर आप रेक्टेंगल लेंगे कॉन्स्टेंट और बोथ ऑप्शन लेंगे तो जैसा विड्थ में है वैसा ही वो क्रिएट हो जाएगा। और वेरिएबल में आपको कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा, सिलेक्ट 0.35 रेक्टेंगल वेरिएबल, वेरिएबल में जैसी टैक्स है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे ये टैक्स है TCI सिलेक्ट टैक्स 0.35 रेक्टेंगल कांस्टेंट विड्थ। और अगर आप यहाँ पे 0.35 रेक्टेंगल और वेरिएबल ऑप्शन लेंगे उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो ऐसे आपको राउंड करना हो, स्लॉट करना हो या तो फिर रेक्टेंगल क्रिएट करना हो टेक्स्ट के अराउंड, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपको विड्थ वाइज करना है तो कांस्टेंट विड्थ है, सबकी विड्थ सेम आएगी, और वेरिएबल में क्या होगा वेरिएबल विड्थ आएगी। तो जैसी टैक्स होगी इसके हिसाब से वो सर्कल क्रिएट करेगा, सर्कल या तो स्लॉट या तो फिर रेक्टेंगल। आर्क टैक्स, अगर कोई आर्क है और आपको आर्क शेप में कोई टैक्स लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए कमांड है आर्क टैक्स, आपको लिखना पड़ेगा आर्क टेक्स्ट, फिर आपको आर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सर्कल होगा तो आप इस कमांड का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका ऑब्जेक्ट आर्क ही होना चाहिए। तो आर्क को आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट मैटर है वो लिखना है। सपोज मैं कोई टैक्स लिख रहा हूँ, उसके आपको फंड्स चेंज करने हैं, अगर आपने स्टाइल बनाई है तो स्टाइल भी ले सकते हैं, और मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे वो आ जाएगा। सपोज मैं स्टाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, स्टाइल वन, एक ये फॉन्ट ले रहा हूँ, दूसरे ये फॉन्ट ले रहा हूँ। वापस आपको आर्कटेक्स कमांड लेना है, क्लिक, स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी फंड चाहिए वो आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें फर्स्ट है रिवर्स टैक्स रीडिंग ऑर्डर, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके कॉपी कर रहा हूँ, वापस से कमांड ले रहा हूँ आर्क टैक्स, क्लिक कर, अभी मैं रिवर्स ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर देना, तो आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में टेक्स्ट आ जाएगी।
जैसे आपने इसका मिरर किया है उस टाइप से रिवर्स टैक्स आ जाएगा। वापस आपको रिवर्स करेंगे आप तो पहले जैसी टैक्स ही वैसी आ जाएगी। फिर यहाँ पे ड्रैग मोड, ड्रैग मोड में क्या होगा, अगर आप ड्रैग मोड लेंगे तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट है कि अगर आप लेफ्ट लेंगे तो अलाइन लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट टैक्स आएगी। राइट लेंगे तो राइट साइड से अलाइन होगा। अगर आप सेंटर लेंगे तो सेंटर अलाइन होगा। डिफॉल्ट ऑप्शन है फीट होता है। फीट में क्या होगा कि स्टार्टिंग टू एंडिंग फीट हो जाता है। फिर यहाँ पे है ऑन कॉन्वेक्स साइड एंड कॉन्केव साइड। तो अभी आप देखेंगे तो टैक्स बाहर है, मीन्स कॉन्वेक्स साइड है। अगर आप कॉन्केव कर देंगे तो इन साइड आ जाएगा, कॉन्वेक्स साइड। फिर यहाँ पे है आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। तो डिफॉल्ट ऑप्शन यही होता है अगर आप इनवर्ड कर देंगे तो आप देखेंगे जो स्टार्ट है वो रिवर्स से स्टार्ट हुई और इनवर्ड साइड है। अभी आउटवर्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्ड साइड, यहाँ पे टेक्स्ट है वापस आउट। फिर अगर आपको बोल्ड अप्लाई करना है, इटालिक करना है तो बोल्ड इटालिक हो जाएगा। अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कलर अप्लाई करना हो टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट है। सपोज हाइट दे रहा हूं मैं 0.6। तो टेक्स की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम आर्क है, आर्क से कितने डिस्टेंस के बाद टैक्स आने चाहिए। तो अभी डिस्टेंस है 0.3514, तो यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूँ तो 0.1 डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपको टच करना है आर्क को तो वैल्यू 0 लेनी है, तो यहाँ पे टच होके आएगा। आपको लेफ्ट साइड से कितना ऑफसेट लेना है वो भी ले सकते हैं। सपोज 0.5 डिस्टेंस का ऑफसेट लेना है लेफ्ट साइड, तो उतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद टैक्स स्टार्ट होगी। एंडिंग में भी ऐसा आपको देना है राइट साइड, तो वहां पे भी आप ऑफसेट ले सकते हैं। फिर अगर आपको विड्थ चेंज करनी है तो विड्थ चेंज कर सकते हैं 0.5, विड्थ कम हो जाएगी, डबल चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन बंद है। इसका रीजन है कि अगर आपका फिट ऑप्शन होगा, अलाइन फिट होगा, तो ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज सेंटर ले रहा हूँ, सेंटर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग। तो मैं ले रहा हूँ 0.1 वैल्यू, तो दो कैरेक्टर के बीच के स्पेसिंग चेंज होगी। 0.3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है उसके बीच की स्पेसिंग अभी चेंज हो रही है। 0.4 0.1 वापस, तो आपको दो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी लेनी है। तो उसके लिए ये ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आपका ऑप्शन फिट अलाइन टू फिट नहीं होगा, लेफ्ट राइट सेंटर में ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको सर्कल में लिखना है तो आपको थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। सपोज एक सर्कल बना रहा हूँ,
और थोड़ा गैप तो रखना पड़ेगा, दूर से सर्कल लगेगा लेकिन वैसे आर्क। तो यहाँ पे गैप है, इसका मीनिंग ये आर्क है। यहाँ पे हम टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज कर देते हैं, तो टेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। आर्क को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वापस एडिट करना है तो सेम कमांड आर्कटेक्स, जो भी आपको एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। यहाँ आपको स्पेसिंग चेंज करनी हो, वीड सेक्टर चेंज करना हो, आप कर सकते हैं। ये भी आर्क है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोई भी कलर लेना है कलर ले सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है, वेट फैक्टर या तो ऑफसेट डिस्टेंस या तो फंड चेंज करने हो, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। तो देखते रहिए हमारी चैनल, नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।